हस्कवर्ना की वीट पिलियन, इसका टेल लाइट देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव इसका टेल लाइट दिया हुआ है। जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये लाइट भी जल जाएगी। और लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसे ये बाइक लेफ्ट साइड से दिखने वाली है। यहाँ पर ये बाइक देखिए कुछ ये इसका लुक हो जाएगा। और इसका ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग एवरी थिंग पड़ने वाला है 2,68,000, 2,68,000 रुपया। और फ्रंट से जो इसका लुक है कुछ ऐसे दिखने वाला है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये इसमें रखा गया है 9.5 लीटर का। यहाँ पर देखिए इसका फ्यूल टैंक जो है कुछ ऐसे डिजाइन में रखा गया है, टॉप से कुछ ऐसा इसका लुक हो जाएगा। और राइट प्रोफाइल इस बाइक का जो है इस तरह से दिखने वाली है। यहाँ पर पीछे से एक बार फिर से देख लीजिए। तो अभी हम लोग इसके फीचर डिटेल को देखते हैं तो इसमें क्या कुछ फीचर मिल रहा है। यहाँ पर इसका जो टेल हेडलैम्प है ये आने वाला है एलईडी लाइट के साथ में, स्प्लिट में रखा गया है कुछ ऐसे ये दिखेगा। राउंडेड शेप है और डीआरएल लाइट का पैटर्न कुछ ऐसे। और साइड इंडिकेटर की बात करें तो ये आने वाला है एलईडी लाइट के साथ में, ऑन होने के बाद देखिए कुछ ऐसा इसका लुक हो जाएगा, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट WP का इसमें सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है। और कॉर्नर रिफ्लेक्टर आने वाला है इसके सस्पेंशन पर। यहाँ पर मडगार्ड देखिए डुअल टोन कलर में, मड फ्लैप ब्लैक कलर से आ जाएगा। और यूनिक डिज़ाइन है इसको कनेक्ट करने के लिए। आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक इस्तेमाल किया गया है। और डिस्क ब्रेक के साथ साथ इसमें मिलने वाला है डुअल चैनल ABS। 17 इंच रेडियस है और फ्रंट टायर का जो साइज़ है 110/70 का है। यहाँ पर आप इसका साइज़ देख लीजिए। स्पोक्स व्हील आने वाला है, रेडिएटर ओपन रखा गया है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। यहाँ पर इसके हॉर्न को भी देख लीजिए, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन। बेली पैन आने वाला है मेटेलिक और लेग गार्ड कंपनी फिटेड आ जाएगा। 250 cc का इंजन है जो कि डुअल टोन कलर में रखा गया है, गोल्डन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। और फ्यूल टैंक को एक बार फिर से देख लीजिए। सिंगल टू लेवल सीट है, सीट जो है वो काफ़ी लीन थीन है, तो जो लोग थोड़ा सा आराम चाहते हैं, चौड़ी सीट चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज बाकी सारे फीचर्स जो हैं वो तो अट्रैक्टिव है। 250 का यहाँ पर ब्रांडिंग। रियर सस्पेंशन मिलने वाला है आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन, सेंट्रलाइज इसका वेट रहने वाला है। और रियर व्हील थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे ही वाइडनेस है। 150/60 का साइज है रियर टायर का। और रियर ब्रेक कुछ इस तरह से देखने के लिए होगा। और ब्रेक कैलिपर बीबर का है, वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। साइलेंसर यहाँ पर देख लीजिए, साइलेंसर अंडर बेली एडजस्ट किया गया है, लेकिन इसका जो मेन पोर्शन है, सॉरी इसका जो टेल एरिया है बाहर की तरफ निकल रही है और अपवर्ड है, तो आपका जो ऑफ रोडिंग है वो भी आसान रहने वाला है। एक बार फिर से इसका टेल एरिया देख लेते हैं। और आते हैं लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी गार्ड मिल रहा है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के साथ में है। और रियर अगर स्प्लिट में है तो कुछ ऐसे ही इसका विजिबिलिटी बन जाएगा। और लेग गार्ड है जो कि साइड स्टैंड जो है एक सेंसर के साथ में आ रहा है। और राइडर पिलियन और राइडर दोनों का जो फुटरेस्ट है ये आने वाला है कुशन के साथ में। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो ये आने वाला है राउंडेड शेप में। सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिजिटल मिलेंगे इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडोमीटर, दो ट्रिप का इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो इसका दोनों जो रियर व्यू मिरर हैं ये आपको दिखने वाले हैं कुछ ऐसे, कुछ ये यहाँ पर हो जाएगा। और कंट्रोल स्विचेस की बात करें तो फ्रंट में पासिंग लाइट, अपर एंड डिपर, हॉर्न, हॉर्न नीचे, और यहाँ पर साइड इंडिकेटर। और राइट साइड में आपको ये दो स्विच मिल जाएगा। जो इसका हैंडल बार है कुछ ऐसे दिखेगा, स्प्लिट में रखा गया है, थोड़ा सा और डिफरेंट डिज़ाइन है कुछ ऐसा यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। E20 का स्टिकर है तो इसका मतलब कि आपको जो ये बाइक मिल रही है 2023 अप्रैल के बाद का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से। तो ये सारा डिटेल है इस बाइक के बारे में। ये शोरूम है माहिम में, KTM माहिम टाइप करेंगे गूगल पर तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।